देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 22 के बारे में। यानी कि इससे पहले हमने आपके लिए टोटल 21 पार्ट अपलोड कर दिया है मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का। तो अगर आपने उन सभी पार्ट्स को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्ट्स को बेहद आसानी से देख सकते हैं। इस पार्ट में हम एक क्वेश्चन को आपको बेहद ज़बरदस्त तरीके से उसके कंसेप्ट को समझाएंगे। तो आप अगर इस चैनल पे पहली बार आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे पहले इस वीडियो के द्वारा हम इस क्वेश्चन को ज़बरदस्त तरीके से आप तक प्रस्तुत करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के टेस्ट देने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना होगा पांडे जी टेक्निकल डॉट इन, आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। देखिए साहब, ये क्वेश्चन आपका 2019 के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 95 डिग्री है। योग मतलब जोड़ यानी कि ऐड। दो कोण है, अगर मान लीजिए पहला कोण अल्फा है दूसरा कोण बीटा है, तो इसका सीधा सा स्पष्ट रूप है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 95। दो कोणों का योग 95 डिग्री है और उनका अंतर यानी कि उनका घटाना, उनका सब्स्ट्रैक्शन 25 डिग्री है, तब त्रिभुज के कोण हैं। उन तीनों कोणों को बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है जिसमें आपको केवल त्रिभुज के दो कोणों का योग और उनका अंतर यानी कि उनका घटाना बता रखा है और आपको त्रिभुज के वो कोण ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, अगर आपको इसे सॉल्व करने आता है तो सॉल्व कीजिए और फटाफट हमें आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। देखिए, आपको सिर्फ यही कहना है, इस क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए कि त्रिभुज के दो कोणों का योग 95 डिग्री है और उनका अंतर 25 डिग्री है, तब त्रिभुज के कोण हैं। हम मान लेते हैं कि त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एक दो और तीन, तीन कोण होते हैं। तो माना त्रिभुज का पहला कोण एक्स है, दूसरा कोण वाई है और तीसरा कोण जेड है। ये हमने मान लिया तीन कोण त्रिभुज के हैं। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। प्रश्न में ये कह रहा है कि दो कोणों का योग 95 डिग्री है यानी कि x प्लस वाई बराबर 95 डिग्री दे रखा है और उनका अंतर 25 डिग्री है यानी कि x माइनस वाई बराबर दे रखा है 25 डिग्री। ठीक है, तो अब हमको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y दो की वैल्यू निकल जाएगी। z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले जो मैंने कहा आपको वैसे ही कर लेना है कि माना त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः x, y और z हैं। तब प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 95 डिग्री समीकरण नंबर एक, x माइनस वाई बराबर 25 डिग्री समीकरण नंबर दो। अब जब इसे आप जो है वो जोड़ेंगे या फिर इसे घटाएंगे तो आपको आंसर x और y का निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसे जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और y प्लस में है और y माइनस में है तो ये कट जाएगा। 2x बराबर इसको जोड़ेंगे 95 और 25 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो 2x बराबर हमारा 120 डिग्री निकल के आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री बटे में 2 यानी कि 60 डिग्री हमारा x डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई। तो x डिग्री बराबर 60 डिग्री हमारा निकल के आ गया। अब इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं इसकी जगह पे, समीकरण नंबर एक में अगर x की वैल्यू रखते हैं, x बराबर 60 डिग्री रखते हैं, तो y की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, ये 60 डिग्री इधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 95 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। तो y डिग्री की वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, 35 डिग्री निकल के आ गया। ठीक है, अब z डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है।
ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। हमने मान रखा है पहले कि त्रिभुज के तीनों कोण x, y और z है, तो हम लिख सकते हैं ये कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन दोनों कोणों की वैल्यू हमें पता है, अभी अभी हमने निकाला, x डिग्री बराबर 60 डिग्री और y डिग्री बराबर 35 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x डिग्री की जगह पर 60 डिग्री प्लस y डिग्री की जगह पर 35 डिग्री प्लस z डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 60 और 35 95 हो जाएगा, और इधर चूंकि पक्षांतर होगा तो हम लिख सकते हैं कि z डिग्री बराबर 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। और यही किया गया है यहां पे कि z डिग्री बराबर 180 माइनस 60 और 35 95, तो 180 में से 95 जब आप घटाएंगे तो 85 डिग्री आपका z डिग्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारा x, y और z डिग्री तीनों की वैल्यू कितने निकल के आई, 60, 35 और 85। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर देखिए साहब, ये 60, 35 और 85 ये एक लाइन से आपका, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो बेहद आसान तरीके से किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि मैं अपने सभी बातों को स्पष्ट रूप से आप तक पहुंचा पाया हूं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भविष्य में आपको इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। और ज़्यादा अपडेटेड रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाइए, वहाँ पर टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें टेस्ट डे के आप अपना स्कोर भी पता कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, और इसके प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो कि हर एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका दिल से शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।